बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस में जो सेकंड पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, उसमें अपन ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कैसे शुरू हुआ, किन परिस्थितियों में शुरू हुआ, क्या क्या कारण रहे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उत्पन्न उदय में और विकास में, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है कैसे आगे बढ़ा, ये इन सभी कारकों की चर्चा की थी। अभी हम और देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संरचनात्मक संगठनात्मक ढांचा क्या है। हम जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक बहुत ओपन एंडेड सा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा संगठन है जो बहुत क्लोज निट नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह, एक बहुत ही ज्यादा ऐसा फंक्शनल एक कंस्ट्रक्शन इसका नहीं है बहुत ज्यादा इसका ऑर्गेनाइजेशनल, जिसको कि हम कह सकें कि ये एक बहुत ज्यादा फॉर्मल अप्रूव हो, ये बड़ा इनफॉर्मल सा है। क्योंकि कई बार आरोप भी लगता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश असल में गुटों में भी शामिल रहे हैं, कोई अमेरिका का मित्र रहा है, कोई सोवियत संघ का मित्र रहा है, तो फिर फॉर्मल ढांचा एक स्पष्ट सुस्पष्ट ढांचा इसका संगठन कैसे विकसित हो सकता है। हाँ, ये ठीक है कि कुछ सदस्य देश वो समय समय पर कभी अमेरिका का समर्थन करते रहे हैं, कभी सोवियत संघ का, लेकिन फिर भी इसका एक अपना एक ढांचा विकसित है। और इसके प्रमुख संगठनिक का संरचना में देखें तो सबसे पहला जो है वो समन्वय ब्यूरो, कोऑर्डिनेशन ब्यूरो। समन्वय ब्यूरो क्या है? गुटनिरपेक्ष देशों में निरंतर विचार विमर्श करने और कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए यह एक सक्रिय एक्टिव केंद्र है। इसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक एग्जीक्यूटिव अंग, ऑर्गेन भी कहते हैं, कार्यकारी अंग भी कहते हैं। और इसका स्वरूप एक तैयारी समिति की भांति है, जो गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलनों के लिए ये तैयारी करता है, दस्तावेज मसौदे तैयार करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसकी कार्रवाई को आगे करता है। समन्वय ब्यूरो में पहले 17 सदस्य सर्वसम्मति से मनोनीत होते थे। मार्च 1983 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के बाद से इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 66 कर गई, और इसमें भी कॉन्टिनेंट वाइज महाद्वीपवार इसमें अलग अलग संख्या निर्धारित कर दी गई है। 31 अफ्रीका के, 23 एशिया के, 10 लैटिन अमेरिका और 2 यूरोपीय सदस्य हैं। और इनके सदस्यों का अब निर्वाचन होता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश इसका निर्वाचन करते हैं 66। इसी ढांचे में जो दूसरा स्तर है वो है मंत्री स्तर का सम्मेलन, और मंत्री स्तर का सम्मेलन सामान्यतः विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। सम्मेलन जहाँ गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए कार्यसूची तैयार करता है, वही कार्यसूची एजेंडा नई गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक देशों के आवेदनों पर भी इसी मंत्री स्तर के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में विचार विमर्श और निर्णय लिया जाता है। सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी विमर्श करता है और नाम के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने का भी प्रयास करता है। ऐसे सम्मेलन यानी कि मंत्री स्तर के, विदेश मंत्री स्तर के सम्मेलन समय समय पर होते रहते हैं। सामान्यतः है जब शिखर सम्मेलन हो उससे पूर्व में भी ये सम्मेलन होते हैं, और जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन, नाम शिखर सम्मेलन जो है उसकी पूर्व में एक फुल 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 स्केल तैयारी भी होती है। इसके अंदर कई बार असाधारण बैठक भी बुलाई गई है इसके, जैसे 1985 में नामीबिया के प्रश्न पर जो है वो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी विदेश मंत्रियों की, नाम की, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद नीति की कटु आलोचना भी की गई। जो तीसरा स्तर है सम्मेलन का वो शीर्ष स्तर है, उसको कहते हैं शिखर सम्मेलन, समिट कॉन्फ्रेंस। और जो समिट कॉन्फ्रेंस है वो राष्ट्राध्यक्षों शासनाध्यक्षों को होता है। नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका सम्मेलन होता है, और ये सम्मेलन सामान्यतः 3 वर्ष में एक बार होता है, जिसमें सभी गुटनिरपेक्ष देशों के शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। और इस शिखर सम्मेलन में लगभग 4 प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। एक तो पूर्णकालिक सदस्य, जो पूर्णकालिक सदस्य हैं वो, दूसरा ऑब्जर्वर स्टेट्स यानी पर्यवेक्षक सदस्य, कुछ पर्यवेक्षक सदस्य भी हैं होते हैं जैसे इवन अमेरिका, ये जो है ना पर्यवेक्षक सदस्य है। फिर तीसरा पर्यवेक्षक गैर राज्य सदस्य, नॉन स्टेट मेंबर्स। अब गैर राज्य सदस्य क्या है? गैर राज्य सदस्य जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, जैसे आसियान है, जैसे दक्षेस है,
यूरोपियन संघ है, ये सभी गैर राज्य पर्यवेक्षक की हैसियत से इसमें भाग लेते हैं। और तीसरी चौथी श्रेणी है अतिथि, कुछ गेस्ट इनवाइटीज भी होते हैं, वो अलग अलग शिखर सम्मेलनों में अलग अलग आते हैं और ये सभी भाग लेते हैं और निर्णय सामान्यतः सर्वसम्मति से लिया जाता है। गुटनिरपेक्ष देशों के का जो शिखर सम्मेलन है वो 3 वर्ष में होता है और इसके चार मुख्य जो है ना एजेंडा कार्यसूची के लाभ गिनाए जाते हैं। एक तो नॉन अलाइन मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की लोकप्रियता में वृद्धि होती है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर गुटनिरपेक्ष देशों के दृष्टिकोण स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त होते हैं और गुटनिरपेक्ष देशों में पारस्परिक सहयोग को बल मिलता है और गुटनिरपेक्ष देश सभी वैश्विक संगठन मंचों पर एकजुटता के साथ पेश आते हैं। अब तक जो देखे हैं अपन प्रारंभ से ही, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत, शिखर सम्मेलन की शुरुआत 1961 बेलग्रेड में हुई थी और तब से जो है ये सम्मेलन आगे लगातार बढ़ा। 17 सम्मेलन, 17 बार शिखर सम्मेलन हो चुके। नई दिल्ली में हम देखते हैं कि 1983 में ये शिखर सम्मेलन हुआ था और हर एक शिखर सम्मेलन में कुछ न कुछ बहुत ही, खासकर शीत युद्ध के दौर में, बहुत ही निर्णायक और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते रहे हैं। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो उपलब्धियां है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो का जो महत्व है, उनको उपलब्धियों में गिनाया जाता है, तो वो क्या क्या रहा है कुल मिला कर ये भी देखें। सबसे पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी, यानी स्वतंत्र विदेश नीति सभी देशों की, गुटों से इतर, गुटों से परे, उसको कुल मिलाकर वैश्विक एक्नॉलेजमेंट, रिकग्निशन मिली। दोनों ही गुटों ने इसको मान्यता दी और इसलिए कई बार दोनों गुटों के देश और संगठन गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन, नॉनलाइन नाम शिखर सम्मेलन में पर्यवेक्षक गैर राज्य सदस्य के रूप में भी शामिल हुए। इसी प्रकार जो गुटनिरपेक्षता की नीति है, इसकी हालांकि कई बार जैसे आइजन हावर थे या जैसे बाद में निक्सन थे और बाद में जॉनसन थे अमेरिकी राष्ट्रपति, या फिर ब्रेजनेव थे, उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति की कई बार आलोचना की, लेकिन गुटनिरपेक्षता की नीति एक स्वतंत्र विदेश नीति इन देशों की है, तीसरी दुनिया के देशों की, इसको मान्यता देनी पड़ी, स्वीकार करना पड़ा। दूसरा एक बड़ा लाभ इसका मिला, बड़ी उपलब्धि थी कि शीत युद्ध में जब तनाव अपनी चरम सीमा पर था, ऐसा लगता था चाहे वो क्यूबा संकट हो या अफगान संकट हो, कि दोनों पक्षों के बीच में, दोनों महाशक्तियों के बीच में टकराव अवश्यंभावी है, उस स्थिति में इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दोनों पक्षों के तनाव को कम करने में बहुत ही निर्णायक अहम भूमिका निभाई। जैसे कोरिया युद्ध था उस समय तो ये नहीं था, लेकिन स्वेज नहर के समय पर, स्वेज समस्या के समय ये नहीं था, लेकिन जब बाद के वर्षों में संकट आए, चाहे वो एनपीटी के ऊपर हो, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर हो, या फिर वियतनाम युद्ध के समय में हो, या फिर अफगान संकट के समय में हो, नवीन शीत युद्ध, इन सब के ऊपर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका रही तनाव को कम करने में। और कहा भी जाता है कि नॉन अलाइन मूवमेंट ने ऐसा बैलेंस, ऐसा संतुलन स्थापित किया जिससे शीत युद्ध वास्तविक युद्ध में परिवर्तित नहीं हो पाया। इसलिए शीत युद्ध कालीन तनाव को दितांत में परिवर्तित करने, दितांत की स्थिति में लाने का पूरा एक बड़ा कार्य इसने किया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने किया। एक और बड़ा बड़ी भूमिका थी वो कि निःशस्त्रीकरण की। देखिए निःशस्त्रीकरण चला, पहले भी चल रहे थे और बाद में शीत युद्ध के बाद भी चला, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधान में भी चला और अलग भी द्विपक्षीय स्तर पर भी चला, लेकिन इसमें भी जब दोनों ही गुटों के सैन्य गठबंधनों में शामिल होने से मना कर दिया है तीसरी दुनिया के इन देशों ने, तो निश्चित रूप से शस्त्रीकरण के लिए प्रेरित हुए। इन्होंने शस्त्र कई बार जो है वो बड़े पैमाने पर शस्त्र की होड़ में शामिल होने से मना किया, मना कर दिया, एक नहीं स्वीकार किया। तो कई 1963 का पीटीबीटी था या 68 का एनपीटी था, सॉल्ट था, ये संधियां जो थी इसके पीछे ऐसा नहीं था कि सिर्फ झटके से महाशक्ति और द्विपक्षीय स्तर पर हो गई, जो
जो नाम था उसका एक अपना दबाव था जो काम कर रहा था, इसने निःशस्त्रीकरण को निश्चित रूप से नाम ने बढ़ावा दिया, है ना। फिर एक बड़ी उपलब्धि हुई कि विकास और विकास के एजेंडे को, विकास की सूची, कार्य सूची को आगे बढ़ाना, और यह तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से नाम ने अपनी प्राथमिकता, नाम के देशों ने अपनी प्राथमिकता, नाम मतलब नॉन-अलाइन्ड मूवमेंट गुट निरपेक्ष देश, नाम के देशों ने जैसे अपनी प्राथमिकता आर्थिक विकास को रखा, अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करके जो गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि अन्य समस्याएं थी, महामारी, उनके समाधान में रखा, तो जो विकास है वो एजेंडे में ऊपर आया, दुनिया के लिए एजेंडे में ऊपर आया। तो विकास को संयुक्त राष्ट्र में भी देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के विविध अंगों में भी देखते हैं कि किस प्रकार नाम के देशों ने उसको विकास को बहुत आगे रखने का की पैरवी बारंबार की। तो विकास जो है वो प्राथमिक विकास और शांति, ये जो है ना संयुक्त राष्ट्र का जो मूल उद्देश्य है उसको गति मिली, और वो गति मिली नॉन अलाइन मूवमेंट के इसकी वजह से। और इसी के कारण हम देखते हैं जो NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, है ना, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, जिस प्रकार से लुसाका शिखर सम्मेलन से ही नाम के देशों ने की, नाम ने की, उसके बाद से NIEO की मांग जोर पकड़ती गई, और कुल मिलाकर NIEO था क्या, आर्थिक विकास और तीसरी दुनिया के देशों के लिए आर्थिक न्याय की मांग की, है ना। और इसी आर्थिक न्याय की मांग की वजह से गैट का विरोध होते होते अंततः कुल मिलाकर 1995 जब 95 जब WTO के रूप में अंतिम रूप से स्थापित हुई, तो वो जो आर्थिक न्याय की मांग थी, NIEO की मांग थी, उसको बढ़ाने में भी नाम ने काफी अहम भूमिका निभाई, और ये कुल मिलाकर विकास को प्राथमिकता देने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक और बड़ी उपलब्धि नाम की मानी जाती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को, संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता को बढ़ाया। शीत युद्ध के तनाव में जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर निरपेक्षता लगने लग गया था, तो गुटनिरपेक्ष देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति स्थापना में एक निर्णायक भूमिका के रूप में स्वीकार किया, इसको मजबूत किया, समय समय पर इसमें अपने सहयोग भी दिया, और शांति स्थापना में भी जहां भी UNO काम कर रहा था उसको, उसके स्थिति को मजबूत करने का काम किया। तो UNO को एक तनाव से, शीत युद्धकालीन दबाव से मुक्त कर स्थापित करने का, और एक स्वतंत्र निष्पक्ष संगठन के रूप में स्थापित करने का, जिसकी एक बड़ी भूमिका होती है शांति और विकास के लिए, उसको ये किया। और एक सबसे निर्णायक और भी पॉइंट है जो कि इसकी उपलब्धि के रूप में गिनाया जाता है, वो है विकासशील देशों के मध्य सहयोग, जैसे दक्षिण दक्षिण संवाद, दक्षिण दक्षिण सहयोग, आसियान, दक्षेस, है ना, और अनेक प्रकार के संगठन। शीत युद्ध के काल में भी जब सैनिक संगठनों की बहुतायत था, जब सीटो, सेंटो, नाटो जैसे संगठन बन रहे थे, अमरीकी आर्थिक, सोवियत आर्थिक दबाव में देश कई बार बहुत ज्यादा दबाव में आ रहे थे, उस स्थिति में भी विकासशील देशों के मध्य ही आपस में सहयोग कैसे हो इसको बढ़ावा दिया, ताकि विकसित देशों के ऊपर निर्भरता कम हो सके और आपस में विकास कर सके। ये सारी उपलब्धियां एक नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की गिनाई जाती है। और इसके बाद हम देखेंगे किसी कमजोरियां क्या क्या रही, कि किस किस लिए ये विफल भी माना जाता है, और एक मूल्यांकन ये करेंगे कि किस प्रकार प्रासंगिक, अप्रासंगिक, सार्थक, निरर्थक कैसे है इसके ऊपर।